सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है महत्वपूर्ण नियुक्तियों के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2022 में काफ़ी नए नए नियुक्ति हुए हैं हर एक विभाग में, तो उसी रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वीके त्रिपाठी को बनाया गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीके त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एनडीए के जो नए कमांडेंट बने हैं उनका नाम है अजय कोचर, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय कोचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेबी, तो इसकी नए अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवी पुरी पुच, तो यहां पर आपको ये नाम याद रखना है कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी है, माधवी पुरी पुच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपके दिया गया है यहाँ पर सिक्स नंबर, जिसमें बोला गया है दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यून सुक योल कौन बने हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी भी बोलते हैं, एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आईओसी की नई अध्यक्ष जो है वो बनाई गई है एम्मा टेरहो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्मा टेरहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है भारतीय थल सेना के प्रमुख किसे बनाया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जो हैं वो आपके होने वाले हैं मनोज पांडे, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा नाइन्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांग मिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा टेंथ नंबर, बोल गए यहाँ पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रशेखरन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है इलेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत जोशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा ट्वेल्व नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा थर्टीन नंबर, जिसमें बोला गया है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव सान्याल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फोर्टीन नंबर, बोला गया है यहाँ पर एल आई सी म्यूचुअल फंड के MD और CEO किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TS रामकृष्णन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन वीरेन सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कला रामचंद्रन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रजनी सेठ। आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है उसके महानिदेशक के रूप में रजनी सेठ को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी राजा कुमार। आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को FATF भी लिख दिया जाता है और इसके नए अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयशा मलिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 21 नंबर, जिसमें बोला गया है गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 22 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 23 नंबर, जिसमें बोला गया है गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद सावंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 24 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर, जिसमें बोला गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन परांजपे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 26 नंबर, जिसमें बोला गया है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ। तो यहाँ से आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।